नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश का पहला खादी मॉल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आगामी 3 अक्टूबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। आपको बता दें कि ये खादी मॉल पटना के गांधी मैदान के पूर्वी छोर पे है, निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि इस खादी मॉल में बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर यानी कि देश के कई अन्य राज्य, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा के खादी परिधान भी इस मॉल में मिलेंगे। इसके अलावा बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स आइटम भी इस खादी मॉल में मिलेंगे, साथ ही बिहार के देसी जायके भी यहाँ पर मिलेंगे। लिट्टी चोखा, मालपुआ, तमाम जो जायके होते मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात इस मॉल की यह है कि ये देश का पहला खादी मॉल है जहाँ पर खादी के आधुनिक कपड़ों यहाँ पे मिलेंगे। आगे आप वीडियो में देखिए, उद्योग मंत्री श्याम रजक ने इस खादी मॉल के बारे में विस्तार से क्या कुछ बताया है। हम इतना कहना चाहते हैं कि बापू की हम लोग सब लोग याद करते हैं और देश के आजादी की हम गुणगान भी गाते हैं, लेकिन आजादी का सबसे बड़ा हथियार दो ही था, एक था खादी चरखा और दूसरा था बुनियादी शिक्षा। तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विजन रही कि बुनियादी शिक्षा को तो बढ़ावा देंगे ही, उसको प्रोत्साहित करेंगे ही, उनको हम और लोगों से जोड़ने का काम करेंगे ही, लेकिन आर्थिक संबलता के लिए हम खादी के माध्यम से चरखा के द्वारा उत्पादित सामग्रियों का हम उसको बिक्री करके या उनका हम ट्रेनिंग कर करके उन जो नौजवान नवयुवती जो लोग हैं उनको हम संसाधन से पूरे रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। और यही कारण रहा कि उद्योग विभाग ने खादी के क्षेत्र में काफी काम किए हैं, चाहे वो मॉडल चरखा का सवाल हो, त्रिपुरारी चरखा का सवाल हो, करघा का सवाल हो, कई संसाधन के माध्यम से हम अपनी जो इस राज्य की सबसे मजबूत जो हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारा वर्ग है, महिलाएं, उनको प्रेरित करने के लिए इन चीजों का वितरण करने का काम किया है। और उनके द्वारा काटे गए सूत और करघा भी दिए गए, लूम दिए गए, और उनके द्वारा काटे गए सूत से वस्त्र बना करके हम लोग निर्माण करने का काम कर रहे हैं। अब है किसी के डेवलपमेंट में बाजार की सबसे बड़ी महत्ता है, और बाजार आज जो आधुनिक काल आ गया है, आधुनिक काल में बाजार में इतनी कंपटीशन है, इतनी प्रतियोगिता है कि अगर आप थोड़ा भी पीछे रह गए तो आपके सामग्री की विक्रय में कमी हो जाएगी। इसलिए हम उस तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं और हम लोगों ने जीटी को हम लोगों ने हायर किया है और उसमें निफ्ट के कई लड़के लड़कियां और कई एमबीए के लड़के लड़कियां को हम लोगों ने हायर किया है और उनके द्वारा तैयार करवा रहे हैं नए डिजाइन। अब आप, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, अपने विभाग की प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब आप खादी मॉल में जाएंगे और चाहे जो हम लोगों ने एमेजॉन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ जो हम लोगों ने जो अपना एमओयू साइन किया है, आप खादी मॉल है तो उसके जो डिजाइन खादी के और कलर, तो आप हतप्रभ हो जाएंगे कि क्या बिहार के बुनकर भी इतनी सुंदर, इतने कलात्मक ढंग से और इतने बढ़िया डिजाइन का खादी का कपड़ा निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके जो प्रोडक्शन के साथ साथ रेडीमेड गारमेंट बनाने का काम, उसके डिजाइनिंग का काम ये कर सकते हैं। आज तो एक से एक ब्रांडिंग डिजाइन सब है, ब्रांड कंपनियां हैं, लेकिन उससे हमारा कंपटीशन, हम अभी उभर रहे हैं लेकिन हम कंपटीशन कर रहे हैं सबसे ऊपर वाले से, और उसमें हम उन लोगों को मात देंगे जैसा हम लोग आश्वस्त। तो खादी मॉल 3 तारीख को उद्घाटन होगा, जैसा हमारे सचिव ने कहा 3 तारीख को, गांधी जी की 2 अक्टूबर को जन्म तिथि है, उस दिन कई जिलों में, पंचायतों में कार्यक्रम होगा।